अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करा, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, शेयर भी किया, बिल्कुल अच्छा लगा माशाल्लाह। ऐसे ही कर रहे हैं आप सब लोग, जिससे लंबी तरक्की मिलेगी आप लोग की दुआ से। आइए मैं आपको और बुजुर्ग की ज्यादा करता हूँ इंशाल्लाह, दिल्ली के अंदर और जो बुजुर्ग हैं हल्के के, मैं आपको ज्यादा बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम। जब तक के नहीं मिलते हैं तो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सब खैरियत से आप? मैं आ चुका हूँ मज़ार पे, आइए आप लोग को ज़्यारत कराऊँ मज़ार की। देखिए ये मज़ार है, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक लोग आते हैं यहाँ पे। ये मज़ार सीलमपुर में है, लोहे मार्केट के पास। मज़ार पे काफ़ी लोग आते हैं ज़्यारत के लिए, काफ़ी फैस हासिल करते हैं यहाँ पे आके। बहुत ही लोग आते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे, लोग बात दरी को लंगर भी देते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, लंगर तस्कीन करते हैं बहुत से लोगों को यहाँ पे। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ इंशाल्लाह, आपको मज़ार के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मज़ार के अंदर ये मज़ार की चौखट है, मैं आपको दिखाइए। ये मज़ार यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, मोमबत्ती वगैरह यहाँ पे पेश करी जाती है, जलाई जाती है यहाँ पे मज़ार से अलग अलग से। चिरागी भी यहीं पर होती है मज़ार की। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ मज़ार के अंदर। मज़ार है, काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे भी माशाल्लाह से, हज रात को और भी दिन आते हैं लोग। मज़ार यहाँ पे काफ़ी पेशी वगैरह पड़ती है यहाँ पे, तो जिन नाक का असर होता है तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। आइए मैं आपको बताता हूँ मज़ार के बारे में। अंदर मज़ार है, मज़ार का नाम है, आप देख सकते हैं मज़ार है। आइए अंदर चलते हैं मज़ार के बारे में, अंदर पता करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी वली औलिया, ये मज़ार है अंदर। आप सब लोग भी आए करें यहाँ पे, सीलमपुर में मज़ार है लोहे मार्केट के पास। यहाँ पे लोग पैसा हासिल करते हैं, दुआ मांगते हैं यहाँ पे, जिन पे भूत पलिक का असर होता है, जिन जान वगैरह, वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं और लोग को पैसा हासिल होता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को। आइए मैं आपको यहाँ पे जो मज़ाविर हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, बताते हैं यहाँ पे। आइए इनसे पता करते हैं मज़ार के बारे में। आप मुजाविर हैं यहाँ के मज़ार के, तो ज़्यादा नशीन हैं, उनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सभी हज़रात को, और मैं आज बता दूँ आपको पहले अपने नाम के। मेरा नाम सूफी मोहम्मद रसमिया चिश्ती शमशेरी न्याजी साबरी है, और मैं नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा शमशेर अली चिश्ती तुर्क बेबानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान है आलिया से। और आज ये हमारे भाई इस दरगाह शरीफ पर आए हुए हैं पहली बार, और इन्होंने मुझसे यहाँ के लिए मालूमात के लिए कहा, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि सरकार ख्वाजा शमशेर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मामला है वो सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से है, आप उनके खलीफाओं में से हैं। और सैयदना सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो कि सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन व खलीफा हैं, और दिल्ली के सर के ताज़ा शेख उल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, और सैयदना सरकार साबिर अलाउद्दीन कलियरी और ख्वाजा नज़ीमुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह, और आप बाबा साहब के पहले खलीफा जो हैं मौलाना ख्वाजा जमालुद्दीन हांसी रहमतुल्लाह अलैह। तो इन तमाम की तरह ये सरकार ख्वाजा शमशेर रहमतुल्लाह अलैह भी सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं में से हैं। और इस वक्त आपके मज़ार को करीब यहाँ पे 750 साल के करीब हो चुकी है, आपकी हिजरी 693 है, और सिलसिला चिश्तिया में आप सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से हैं। और इस मज़ार शरीफ पर जो कि हमें यहाँ पर खिदमत करते हुए वक्त हुआ है, वो इस बार 103वां वक्त हमें हो चुका है, क्योंकि 8 दिसंबर 2022 को यहाँ पे सरकार का उर्स शुरू हो जाएगा चांद की 13, 14, 15 जमादुल अव्वल के महीने में, तो करीब 2.5 महीने उर्स बाद के रह गए। तो हमें यहाँ पर खिदमत करते हुए सरकार ख्वाजा शमशेर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में 103 साल हो चुकी हैं। यहाँ सबसे पहले मेरे दादा अब्दुल मजीद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह आए थे, फिर उनके बाद मेरे ताया ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके बाद मेरे वालिद सूफी मोहम्मद। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं मज़ार पे, जिन पे भूत पलितों का असर होता है,
वो भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे, आप भी आ सकते हैं अंदर मज़ा आते जा सकते हैं। दुआ ताबीज़ जैसे कि जो जिंदी नाक का सर है वो दुआ ताबीज़ वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से, नज़र वगैरह का काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे। अभी मगरिब के अजान के बाद मगरिब के टाइम पे मतलब यहाँ पे फातिहा दुआ वगैरह सब होते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं इंशाल्लाह, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। जो आप मज़ार पर लाना चाहते हो ज़्यारत करेंगे मज़ार की, तो आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह मज़ार के बारे में और बुजुर्ग के बारे में। अस्सलामु अलैकुम।